इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ आपके साथ पहले शेयर की थी कि भाई जो आपका एमिरेट्स आईडी है ना वो रिप्लेस हो जाएगा स्टैंप वीजा के ऊपर। इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी, ये बात नहीं बताने आया, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट आई हैं और उसको कहते हैं कि ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों को बताया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ओपनली अभी न्यूज के अंदर आ रहा है। मैंने आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने हैं ताकि आप लोगों के माइंड में रहे, और कहीं पे भी आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में क्लिक कर जाए भाई क्या क्या पॉइंट्स हैं। सब लोगों के लिए जो भी यूएई के अंदर रह रहे हैं, आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें सीखने को वो चीजें मिलेंगी जो इतने पॉइंट्स में कोई क्लियर नहीं करेगा आपको। सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई अब वीजा फीस हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स कि वो स्टैंपिंग फीस होती थी 500 दरम 510 दरम। तो पहली बात भाई मेरे वो आपका होता भी नहीं था, वो कंपनी वालों का होता था, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब एक स्टेप को खत्म कर दिया जाता है कि स्टैंपिंग नहीं करनी तो फीस फिर किसको पे करनी है, कॉमन सेंस है, जरा कॉमनली यूज किया करें। सेकेंडली यूएई वालों ने ओपनली इस चीज को बताया है कि जो एमिरेट्स आईडी है ना वो अभी रिप्लेस हो गया है टोटल ऑल ऑपरेशन के ऊपर जहां पे पेस्ट वीजा चलता था। उनके कहने के मुताबिक 30 to 40% ये जो रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स इनकी इमिग्रेशन में जाते थे उसके अंदर वर्कलोड कम हो जाएगा इस स्टेप को रिड्यूस करने की वजह से। एक ये पॉइंट था। सेकेंडली मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग कह रहे हैं कि जो वीजा होता था विजिट जो पेस्ट करते थे उसके ऊपर सारी डिटेल्स होती थी, कौन सी कंपनी, सब कुछ है। इसकी वजह से अब आपने देखा होगा जो नए एमिरेट्स आईडी आ रहे हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें ओल्ड एमिरेट्स आईडी के साथ, तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ चेंजेस उसके ऊपर नजर आएंगी। आपका स्पॉन्सर भी नजर आएगा, एक्सपायरी डेट भी, वैलिडिटी डेट भी, आपकी कंपनी भी, ज्वाइनिंग, सब कुछ आपको उसके ऊपर मिलेगा। इट मीन्स के वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन पिंक कॉपी के ऊपर होती थी, पिंक पेपर जो वीजा स्टैंप होता था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके एमिरेट्स आईडी के ऊपर। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा कि अभी भी जो कंपनियां हैं वो पासपोर्ट रखेंगी। ज्यादातर होता क्या था, कंपनी ना लोगों से या एम्प्लॉय से पासपोर्ट इसलिए लेती थी कि आपका वीजा स्टैंप करना है, जरा पासपोर्ट निकाल के लाइए अपने बैग से। जब वो स्टैंप करने के लिए पीआरओ लेके जाता था और पीआरओ जब वो वापस लेके आता था तो वो आपके हाथ में नहीं आता था, वहां से ही चला जाता था कंपनी के लॉकर्स के अंदर और वहां पे ही दफन रहता था 2 साल के लिए, जब तक आपकी छुट्टी मंजूर नहीं कर दी जाएगी आपके इमीडिएट बॉस के। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात भी करूंगा कि अभी भी कंपनियां पासपोर्ट रखेंगी, अभी भी कंपनियों को पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए तो नहीं चाहिए, तो अब सबको पता चल गया। इट मीन्स कि पासपोर्ट के बगैर अब सारा काम होगा, ठीक है। अब इस चीज को कंपनीज कैसे लेगी, उन्होंने कैसे कैपना है आपका पासपोर्ट, ये तो आने वाला वक्त आपको साथ साथ बताता जाएगा कि भाई आप कंपनीज करने क्या जा रही हैं। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपका प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर आपको डिटेल दी जाए, उसके लिए यूएई वालों ने icp.gov.ae के नाम से ही, अगर मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ, वहां पे आप जाएं अपना एमिरेट्स आईडी डालें और आपको सारी डिटेल्स, आपके जो कहते हैं ना रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स होती है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर लें, कोई बाहर का वीजा अप्लाई करना है, चीजें अप्लाई करना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट जिस तरह होता था ना जब लेबर कार्ड हमारे प्रिंट फॉर्मेट में आ गए थे, इसी तरह ही आपका वो जो पिंक कॉपी है ना वो भी समझ लें कि आप प्रिंट फॉर्मेट में या आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर चाहिए होगा तो आपको अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सी है, ICP, इसकी वेबसाइट भी icp.gov.ae है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लें, मैंने क्योंकि ये पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये पासपोर्ट देने वाला जंतर मंतर आप लोग ना किया करें, पासपोर्ट अपने पास रखें, पासपोर्ट आपकी सोल प्रॉपर्टी है। लेकिन मसला वही वो पुराने वाला, वो जंतर मंतर वाले लोग होते हैं, उनका एतबार नहीं होता कंपनी को, किस टाइम अपना दूसरा रूप दिखाएं और निकल जाएंगे यहां से जुगाड़ लगा के। तो उन लोगों के पकड़ने के लिए फिर ठीक है कंपनियां पासपोर्ट रखती हैं, और जिस जिसका आज पासपोर्ट कंपनी के पास है वो अपने गिरबान में खुद झांक के देख ले भाई जंतर मंतर वो क्या कर सकता है, किस जगह पे वो बैठा हुआ है। तो भाई मेरे ये अपडेट थी, इसके साथ चले जहां मर्जी जाएं अब आपको। और एक और चीज, ये जो ICP है ना, ये ऑफिशियली जितने भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं ना, डू ले लें, इटी सलाद ले लें, एविएशन अथॉरिटीज ले लें, जो सारे इंटरलिंक हैं पहले आपके पासपोर्ट के साथ होते थे, उनकी सारी ऑनलाइन जो इंटीग्रेशन है ना उसको आपके एमिरेट्स आईडी के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको अपग्रेड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एज पर द एमिरेट्स आईडी चल रही है वो सारों के पास मौजूद हो और कोई आपसे, वो कहते हैं ना, पेस्ट वीजा की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इलिमिनेट हो चुका है स्टेप।
तो भाई ये यूएई ने अपने लिए किया है, आपके 5 से 10 दरम बचाने के लिए नहीं किया, उनका रिड्यूस वर्क 30-40% जब हो रहा है तो इट मीन एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये हमारे वाले खाते वाले सिस्टम ही नहीं है ना, इन्होंने आगे जाना है, इन्होंने मार्च तक का मिशन भेजा हुआ है भाई मेरे, तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है। बाकी कोई भी अपडेट होगी, डेवलपमेंट होगी, आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ये आपका फर्ज है। बाय बाय।